जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आरके सर इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको भी पता है, गेट 2022 का जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आज उन बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग अभी या तो परसोइंग में हैं या पास आउट हैं और ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, लाखों रुपये खर्च नहीं कर सकते और वो घर बैठे अपने मोबाइल से या सेल्फ स्टडी करके कैसे 70+ नंबर ला सकते हैं। देखो, ऐसा है कि ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, खुद का कर रहा हूँ कि मैंने कैसे कम से कम समय में, और मैं एक टीचर होने के नाते बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जब मैं सजेस्ट किया कि यार देखो गेट में कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, तो देखो मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ। एक आप फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। देखो, गेट जब होता था आज के दौर में, आप खुद ही एनालाइज कर दिएगा, 2010 का दौर, 2009 का दौर, उस समय गेट में मैक्सिमम मार्क्स आते थे अराउंड आपके 60 नंबर, 70 नंबर, ये हमारे टॉपर्स के नंबर होते थे। लेकिन गेट जो 2000 आपका 14 के बाद हुआ, 14 के बाद या 15 के बाद आपका टॉपर्स के नंबर, चाहे आपके कोई से भी ब्रांच हो, कोई सा भी आईआईटी पेपर कोड बनाए, हमारा कहना है कि जो टॉपर्स वगैरह के नंबर आने लगे 90+, इनफैक्ट मैंने कई कई तो 98 भी देखा है आउट ऑफ 100। और ऐसा क्या हो गया कि इस समय इतने नंबर आने वाले बच्चों का AIR मतलब कि 1 आ जाता था या फिर मतलब कि 100 के अंदर आ जाता था, और यहाँ पे आपको इतना नंबर जाने के बाद मतलब कि आपका AIR 1 to 100 के बीच में होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उस दौर और इस दौर में बच्चे स्टूडेंट्स बदल गए हैं, स्टूडेंट्स वही हैं, दिमाग भी लोगों का वही है, पेपर का लेबल, क्योंकि अब जो पेपर पहले जो होता था ऑफलाइन होता था तो स्टूडेंट्स के पास तमाम तरह के पेपर्स में टैक्टिस वगैरह होता है सॉल्व करने का। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, ज़्यादातर से ऑन एन एवरेज किसी भी सेट का देखा जाए, पेपर का लेबल, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आसान हुआ है। और अब ये आसान आपके लिए ही नहीं, सबके लिए हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आसान होने से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है? देखो, पेपर आसान आने से जो बहुत हार्डवर्क करने वाला एस्पिरेंट्स होता है उसको नुकसान होता है, और जो स्टूडेंट्स मिडिल क्लास का होता है, एवरेज होता है, कॉलेज गोइंग होता है, परसुइंग होता है, उसने 2 साल 3 साल तैयारी नहीं की है, लाखों रुपए खर्च नहीं किया है, फिर भी IIT या देश की सरकार चाहती है कि अगर लाखों रुपये आपने नहीं खर्च किया, 2-3 साल तैयारी नहीं किया और आप कॉलेज में भी हैं, परसुइंग हैं, तो भी आप नंबर अच्छे से ला सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो मेरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको फॉलो भी करिएगा, करेंगे तो डेफिनेटली आप हो सकता है अच्छे मुकाम तक। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँ कि ऐसे के लिए कम से कम मतलब कि आपका इतना तो हो, बेसिक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि आप एकदम सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़े हैं, कम से कम अपने जो भी गेट का रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। देखो, जो AFT होता है, आपको मैं बता दूं, अगर आप कॉलेज गोइंग हुए हैं या पास आउट हैं, अगर बनना होगा तो बन ही जाता है। इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस और आपके जनरल अवेयरनेस तो आता ही नहीं है, क्वांट वगैरह के क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं, आप चाहो तो इसको बना सकते हैं आप मतलब कि मेड इजी या फिर मतलब कि RS अग्रवाल, इन सारे जगहों से। इस पर स्पेशली रीजनिंग में आपका DI एंड पाई चार्ट पे आपको फोकस करना है, और क्वांट वगैरह पे आपको मतलब कि SI और CI, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क, इनके क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे तो भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ 15 आप कम से कम 10 नंबर बना लोगे। फिर उसके बाद इसमें एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है जो आपका ऑलमोस्ट सभी में होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से पढ़ करके अच्छे से कर सकते हैं या फिर मतलब कि रेफरेंस बुक से, किसी से भी कर सकते हैं। और आपको मैं आज वो भी बताऊंगा कि देखो, मैथ में अभी के सिनेरियो के हिसाब से आपको 70+ नंबर लाने के लिए, मैं मैथ से लेकर के टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं
टचवुड बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करके एक बार देखो, जो फ्रेशर है, जो अभी कॉलेज में बच्चा है या कभी तैयारी नहीं किया है, आप करके एक बार देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, हाई लेवल की चीज़ें मत सोचिए। हमारा टारगेट अगर भाई इन हाउ बस 70+ नंबर है कि भाई किसी तरह से मुझे NIT में एडमिशन मिल जाए या IIT में आपका इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच मिल जाए, मेरा MTech हो जाए अच्छे से, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बस वन लाइनर की पॉइंट्स हर एक सब्जेक्ट का किसी भी प्रकाशन की हैंडबुक से, या पहला चीज़। दूसरा, सारे फार्मूले, आल फार्मूला, हर एक सब्जेक्ट के सारे फार्मूले मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के दौर में जो गेट हो रहा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वन लाइनर फार्मूले से कम मतलब फार्मूला जितने भी आते हैं आउट, आप मतलब कि जो भी टेक्निकल और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लग रहा 30 से 35 क्वेश्चंस यहाँ से आप बना लोगे। और आप सोचो, मतलब ये याद रखना, फार्मूलों को यूज करने जरूर आना। जब भी आप फार्मूला याद करें, फार्मूले में कौन चीज़ क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको कैसे यूज करते हैं। आप यूं ही नहीं सिर्फ फार्मूले को याद करें, फार्मूले को यूज करना आना चाहिए, उसमें यूनिट कन्वर्जेंस कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, इधर के 3-4 सालों के PYQ जब करोगे फार्मूला याद करके ना, तो 3 to 4 ईयर के क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, 30 से 40 क्वेश्चन आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अराउंड FT में स्कोर कर दिया, और मैथमेटिक्स में आप चाहो तो मतलब फार्मूला वगैरह याद करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना करके 15 में 7 से 8 नंबर मैथमेटिक्स का, तो मैथ का। अब देखो, मैथ से आपने 7 से 8 नंबर स्कोर कर लिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग से फार्मूला के दम पे, और टेक्निकल से आपका 30 से 35। बाकी मैं आपको बता दूं एक चीज़, गेट जैसा एग्जामिनेशन कुछ सेट अप पैटर्न क्वेश्चंस पूछता है, हमेशा अपने जो मतलब कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछता है। जैसे मैं एक ब्रांच की बात करूं अगर मैकेनिकल की, तो देखो भाई मैकेनिकल में आपको ये डंके के चोट पे मैं बोल दूं, जितने भी साइकिल हैं, डिफरेंट साइकिल जो हैं, डिफरेंट साइकिल मतलब आप ये समझ जाइए कम से कम यहाँ से आप टोटल मिला दिया जाए तो 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स का आता है। तो डिफरेंट साइकिल के आज के दौर में आपके न्यूमेरिकल्स, चाहे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रिटन साइकिल, रंकाइन साइकिल, चाहे आपका फर्स्ट ला का साइकिल, सेकंड ला का साइकिल, कौनों साइकिल हो, डिफरेंट साइकिल पे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। और एक हमारा SFD से, एक हमारा BMD से, और एक हमारा सोम्स मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से, फिर एक हमारा बेंडिंग से। तो ये हमारे क्वेश्चन, जैसे आपको नेक्स्ट हमारा एक कंटिन्यूटी क्वेश्चन से, एक हमारा कहीं ना कहीं बर्नौली क्वेश्चन से, एक हमारा फ्लूड प्रॉपर्टी से, फ्लूड प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इन डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर थ्योरी ऑफ मशीन से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपका क्वेश्चन बन जाता है, फिर उसके बाद आपका गियर से एक क्वेश्चन बन जाए, गियर अथवा गियर ट्रेन से। मशीन डिज़ाइन में मेरे प्यारे बच्चे, बियरिंग की लाइफ पे और आपका रिवेट्स पे, फिर उसके बाद जैसे कि आपको फिर कभी कभी इस पे बेल्ट ड्राइव के टेंशन के फार्मूले से, T1/T2 के फार्मूले से, प्रोडक्शन में एक आपका कास्टिंग से आपका क्वेश्चंस बन ही जाता है, सॉलिडिफिकेशन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरिंकेज से, सॉलिडिफिकेशन टाइम का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरिंकेज को कैसे निकालते हैं। तो ये फिक्स सेट ऑफ पैटर्न है आपके एक पर्टिकुलर ब्रांच मैकेनिकल में, सेम तरीके से आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से भी होते हैं। तो अगर यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ करके, मुझे पता है कि 99% इन टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यूट्यूब पे देख करके इन टॉपिक्स को क्या करिए, स्ट्रांग करिए। और डेफिनेटली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से अगर बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट से, असाइनमेंट की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आपको, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये मतलब ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं तो हैं। एक क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, मतलब ये आप समझिए मैंने जो बताया वो पेपर में आता है। तो ये एक सबसे बड़ा हेल्प आप सभी लोगों के लिए रहेगा जो गेट 2022 को राइटअप करने वाले हैं दोस्तों। तो
तो ये हमारा बेस्ट वे है कि ऑफलाइन विदाउट ऑफलाइन कोचिंग भी आप मतलब कि कर सकते हैं। रही बात आप लोगों को अगर किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, आई विल प्रिपेयर्ड, मैं आप लोगों के लिए तैयारी शुरू करवाऊँगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन आप ये समझ जाइए कि मेरे प्यारे बच्चे, ऑफलाइन की फ़ीस आपको वही पता है लाखों रुपए है, और आप कॉलेज गोइंग परसुइंग स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियस बात है 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके पास टाइम होता है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को इनफैक्ट ये समझ जाइएगा कि ये प्राइस बहुत कम है। जैसे गोल्ड का सिविल है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये गोल्ड है क्या? देखो इसमें आपको जैसे कि हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज हमने क्या किया है, कई सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिवाइड कर रखा है, C1, C2, C3। हर एक कॉन्सेप्ट के 4 चीज़ें बनाई गई हैं बच्चे। एक हमारा मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो, एक हमारा क्वेश्चंस का LOD 1, फिर LOD 2, फिर उसके बाद Practice 1, Practice 2। ऐसे अगर आपके एक पर्टिकुलर ब्रांच में 5,000 कॉन्सेप्ट हैं तो 5,000 के कॉन्सेप्ट के वीडियो और 2 लेवल पे क्वेश्चंस का, फिर 2 लेवल पे प्रैक्टिस टेस्ट टाइप का। तो ये एक ऐसा वीडियो है, वीडियो कोर्स है जहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगी। ये प्राइस नहीं है मेरे दोस्त, ये प्राइस आपकी नहीं है, 21-22 हज़ार रुपये प्राइस नहीं है। जब आप ये कोड लगाओगे, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो आपको ये मात्र 5,000 से भी कम पड़ जाएगा बच्चे, 4100 के आसपास, जैसे भी जो भी करना बच्चे ये मिल जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो तीनों ही ब्रांचेस की कोर्सेज आपके पड़े हुए हैं। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो नहीं करना चाहते हैं कोचिंग, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कॉलेज गोइंग हैं, आप कर सकते हैं। अब ओवरऑल इस पूरे वीडियो का थीम यही था कि हम आपको बताएं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फार्मूला और वन लाइनर की पॉइंट्स गेट के लिए भी आज के दौर में इम्पॉर्टेंट है। चूँकि अब देखो एक बच्चा होगा, सर मुझे 70 नहीं, मुझे 90+ जाना है, मुझे 80+ जाना है, मुझे PSU। देखो भाई एक बात बता दूँ, गेट में आज के दौर में 70 और 60 के बीच में जनरल बच्चों के नंबर आ रहे हैं पढ़ने वाले के, 70 से 80 से 90 और 70 से 80, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंसियरली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जो आपके तैयारी के सारे एरिया को कवर करते हैं। जब आप इन डेप्थ पढ़ोगे, जैसे ये सपोज करो आपने कोर्सेज ज्वाइन कर लिया, तो कोर्सेज ज्वाइन करके आप 70 से लेकर के 90 तक अपने नंबर ला सकते हो। बाकी ये फ्री में आप, मैंने जो अप्रोच बताया वो आप वहाँ से 70 तक सेल्फ स्टडी करके ला सकते हैं। तो हमारा स्पेशली टारगेट है कि अगर आप 70 से अपने रैंक 70 नंबर से लेकर के 90 तक खींचना चाहते हैं तो ये गेट का गोल्ड कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हमने इसमें खुद ही पढ़ाया है सिविल और मैकेनिकल में, मुझे पता है ना किस तरह से हमने अपने सब्जेक्टों को कंप्लीट किया बेहतरीन तरीके से यार। मतलब एक स्टूडेंट जो चाहता है वो हमने इसमें दिया है। जैसे हमने एक सेपरेट, जैसे एक एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी पढ़ाया, भाई मेरे विस्कोसिटी का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर इसी पे एक बेसिक लेवल का क्वेश्चंस कराया जो गेट के 1 नंबर का, फिर इसी का बेसिक में 2 नंबर का क्वेश्चंस कराया, फिर इसी में NAT टाइप का क्वेश्चंस कराया। और ऐसे सोचो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपके 500 टॉपिक हैं तो हर एक टॉपिक के साथ ऐसा रहेगा, किसी पे सपोज करो बेसिक ही लेवल के ही क्वेश्चन है तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, किसी टॉपिक में बेसिक और एडवांस लेवल, और साथ साथ हमारी कंटेंट की टीम में आपको इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस टेस्ट 2 कर दिया। आप बताओ ये इससे बेहतर स्टूडेंट्स क्या चाहेंगे? ये हमारा गेट के गोल्ड कोर्स में आज तक इंडिया में ऐसा कोई मॉड्यूल गेट के लिए लाया नहीं गया था, हमने आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किया। यू विल टेक योर हेल्प, और उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया। इसी तरह के सपोर्ट और सहायता के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरा दोस्तों, इनकेस अगर आप पेड कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया कि 70+ आप ला सकते हैं आज के पेपर के हिसाब से, कुछ लोगों का कहना होगा सर पेपर इतना आसान भी नहीं आता, मेरे दोस्त हाँ ये बात सही है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में आसान आ रहा है। इसका कारण है IIT को या तमाम तरह के लोगों को, हर एक तरह के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है, उनको ये नहीं कि सिर्फ जो लाखों रुपए खर्च करके बच्चा तैयारी कर रहा है वही आगे बढ़ेगा, नहीं, कॉलेज का भी बच्चा बढ़ सकता है, परसुइंग भी बढ़ सकता है आगे, और जो एवरेज मेहनत कर रहा है वो भी बढ़ जाएगा। आसान पेपर थोड़ा सा आने में ये दिक्कत होती है, नो डाउट, कुछ बच्चे नाराज़ भी होते हैं, सर मैंने इतने डिप्थ ने पढ़ा और मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, है ना,
बट ठीक है, इनफैक्ट कोई बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो के नीचे कोई इसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है आप मुझे बताइएगा। बाय।